सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली एंड अपने दोस्तों के साथ जाएंगे बाहर 3 दिन के लिए। जैसे मैं दिल्ली गया था तो काफ़ी चीज़ें हम घूमने गए थे, आईआईटी के अलावा भी हम काफ़ी जगह घूमे थे, तो वो सब रिकॉर्ड किया है। तो मैंने सोचा कि उसका एक सेपरेट व्लॉग रखेंगे। तो ये इंट्रो जो है ये मैं घर आके शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का जो इंट्रो है प्रॉपर वो वहाँ पर शूट नहीं कर पाया था मैं। काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी हमने दिल्ली में, वो आप इस व्लॉग में देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। जो पिछले वाला व्लॉग था जो आईआईटी दिल्ली का है, कैंपस टूर वगैरह, वो काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा एंड पसंद भी आया होगा। तो जिन्हें नहीं देखा वो एक बार देख लेना एंड ये वाला व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्त है मेरा विक्की, उसके हॉस्टल में आए हुए थे। देखो पीछे हॉस्टल है, ये दिख रहा होगा, उदयगिरी नाम है हॉस्टल का। तो ये देखो पूरा हॉस्टल है, ये इसके रूम में थे हम अभी, थोड़ी सी बातें बात करी। अभी हम जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने। ये देखो ये मासूम लड़का है, अमन और ललित आ गए तो उनके साथ। ये हमारा IIT बॉय है। के अभी 3 बज रहे हैं, चलते हैं बाहर। कहाँ कहाँ जा सकते हैं भाई? तुम हो दिल्ली वाले, देखो तुम्हें घुमाना भाई। अभी लेटेस्ट तो हाँ, तुम तो ये भी लेटेस्ट ही है वैसे तो। इधर ना, इधर भी मैं आ गया हूँ फिलहाल IIT दिल्ली के मेट्रो स्टेशन। मेट्रो भी आ गई हमारी, हम भी यहाँ से जा रहे हैं कुतुब मीनार, क्योंकि सबसे पास वही था आई थिंक। और इन लोगों को ज़्यादा आइडिया भाई, ये लोग हैं, इनने कहा हम लेके चलते तेरे को जहाँ जहाँ जाना है, तो बस हमारे ऊपर छोड़ दे, तो इन पे छोड़ दिया। तो चलो मेट्रो आ गई, मेट्रो बैठते हैं, चलते हैं कुतुब मीनार घूम के आते हैं। अभी हम अपनी फर्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं, कुतुब मीनार। ये देखो मेरे पीछे भाई, लेकिन सही बोलूँ इस खम्भे को देखने के लिए हमने 1 घंटे लाइन में लगे हैं ये लेने के लिए, ये टोकन। मेरे को तो पता भी नहीं था कि इसके लिए वाला टोकन लगता है अंदर आने के लिए। हम बाहर खड़े हुए थे, हम ऐसी लाइन लगी थी, हम आगे अंदर आगे पहुँच गए थे भाई। टोकन तो हमें थोड़ा ना टोकन लगता है इसके लिए, हम तो चले हैं। फिर बाद में 40 रुपये का टोकन होता है, टोकन लेके अभी आए, देखते हैं भाई यही है। भीड़ बहुत है यार खंबे को देखने के लिए, विदेश से लोग आते हैं, फॉरनर्स आए हुए। यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही नेक्स्ट लेवल की, इंस्टाग्राम पे डालेंगे लोग। बाद देखेंगे, इसके बाद भी कुछ कुछ जगह सोची और जाने के लिए, जो आसपास होगी यहीं से निकल जाएंगे। इसको देखो प्रोफेशनल लग, किसी को फोटो खिंचवानी है सस्ते रेट में खींच देगा ये। भीड़ तो अच्छी खासी है। बाकी देखो भाई यही है कुतुब मीनार। तो ऐसा नहीं लग रहा, पूरा खंडर है, टूटा फूटी जगह, पुरानी सी एकदम, पुराना ही है, बहुत ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे बस फ़ोटो खिंचवाने आते हैं सब लोग। ये देखो अंकल जी सेल्फी ले रहे हैं बढ़िया से। यहाँ पे एक चीज़ जो क्रिएटिव वाली कर सकते हैं वो है हाइपरलैप्स। वहाँ से चलते हुए सामने से, इधर से देखो, उधर से चलते हुए वॉक लेते हुए आराम आराम से पूरा पॉइंट करके। लेकिन उसके लिए यार DSLR हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उससे अच्छी बनती है थोड़ी। हर एक स्टेप पे फ़ोटो लो, फिर एडिटिंग में पूरा हाइपरलैप्स लो। प्लेन देख पा रहे हैं वो देखो, एयरपोर्ट है पास में, इसीलिए प्लेन व्लेन बहुत पास जा रहे हैं, बहुत पास से। मतलब चले कहाँ जाएँ, कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि 5 बज गया ना। हाँ 5 बज गया और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो मैं बोल रहा था इंडिया गेट, लेकिन इंडिया गेट अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उसके लिए कल जाएंगे। प्लान बनाते हैं कहाँ जाना है, कहीं भी जाना है अपने। तो मेट्रो जिंदाबाद, मेट्रो में बैठो जहाँ जाना है पहुँचा देगी, बस 2-3 बार चेंज करनी पड़ती है, पर ठीक है पहुँच जाते हैं। ओ ये तो बढ़िया है, ये देखना ऐसे ही, मतलब हर जगह बने हुए हैं। यहाँ पर जाके लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं बैठ के, बीच में ऐसी जगह है, यहाँ बैठ जाओ, ऊपर से देख लो पूरा खुला पड़ा है, खंडर ही है एक तरीके का। सबसे ज़्यादा शौक इसको ही चढ़ाता फोटो और ये परमानेंट फोटोग्राफर, परमानेंट जयपुर से, जयपुर में भी फ़ोटो खींचता था, यहाँ भी फ़ोटो खींचता था, अभी फ़ोटो खींचा रहा था। ठीक है, तो मीनार के मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हम, और यहाँ से आएगी मेट्रो। फिर पता नहीं भाई, नहीं कोई पता, ये लोग पहुँचाएंगे। एम्बियंस मॉल जा रहे हैं, डिसाइड किया है, वहाँ से ललित का घर पास है तो वो निकल जाएगा अपने घर और हम चल जाएंगे IIT। पर ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, मतलब फील हो रही है हाथ में, हम ऐसे घूम रहे हैं ना, हाथ में कुछ पहना नहीं है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अमेरिका के मेट्रो स्टेशन से आ चुके बाहर अभी, और अभी जा रहे हैं हमें एम्बियंस मॉल, वसंत कुंज।
बसंत कुंज में जाना है। दो हैं यहाँ पे, गुड़गांव का एक, बसंत कुंज का है। पास ये था तो सोचा यही चले जाते हैं, थोड़ा घूम के कुछ खा पी के फिर ललित चला जाएगा घर अपने और हम लोग चले जाएंगे IIT। अब ऑटो में बैठ के चलते हैं मॉल में। तो एम्बियंस मॉल पहुँच चुके हैं, देखो यार मेरे पीछे एम्बियंस मॉल, काफ़ी बढ़िया मॉल है यार। मतलब यूट्यूबर वगैरह लोग आते हैं शॉपिंग करने, बड़े बड़े स्टोर हैं यहाँ पे, हम भी चल के देखते हैं। हमें कुछ ख़रीदना नहीं है, हम अभी कुछ इतने बड़े यूट्यूबर तो बने नहीं है कि इम्पोरियो और मानी ये सब में जाएं। एक्सप्लोर करते चल के मॉल कैसा है, क्या क्या है। जब तीन फ़कीर लोग आ जाए साथ में तो ऐसे ही होते, फिर लड़ाई कर रहे होते तू। जी वैगन गाइस, अरे दिल्ली में आया भाई, अमीर अमीर पार्टी आती है यहाँ पर भाई, पूरा सजा वजा रखा भाई मैरी क्रिसमस का भाई, मस्त है भाई। गाड़ी देखो बाहर, जी वैगन नहीं गाड़ियाँ गाड़ियाँ भाई। तू हम आए हैं अमीरों के मॉल में, अरमानी एक्सचेंज, हैवी शॉपिंग होती है भाई इधर। इधर फूड कोर्ट में बैठे हुए हमने मील मंगाई है मैकडोनल्ड से, बहुत सारी हैं दुकानें यहाँ पे पीछे देख सकते हो, पूरा फूड कोर्ट ऐसा। तो ज़्यादा कुछ मन नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाना था, मैकडोनल्ड से मील ले ली। तो ये था फूड कोर्ट। लोग बाहर आ चुके हैं एम्बियंस मॉल से, लेकिन कुछ ही बोला यार, एम्बियंस मॉल का जो एम्बियंस तो बहुत बढ़िया है, एकदम एम्बियंस के तो फुल नंबर है भाई। पीछे देखो ये थोड़ी डेकोरेशन वगैरह हो रखी है क्रिसमस की, और मॉल बहुत अच्छा था यार। मतलब अमीरों का मॉल कह सकते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसा पड़ा है, आपको बड़ी बड़ी ब्रांड की शॉपिंग करनी है, आओ ख़रीदो बस जाओ खा पी के भाई। अमीरों की दुकान एक और, गुच्ची, यहाँ पे सारी बड़ी से बड़ी ब्रांड, लुई विटॉन भाई। यार इन यूट्यूबरों को देख देख के, ब्लॉगर्स को इतना मन करता है सब ख़रीदने का, बट फ़िलहाल तो नहीं ले सकते, कमा के खुद लेंगे। आज के दिन देखा जाए तो दो चीज़ें देख ली हमने, एक तो हमारा कुतुब मीनार हो गया, दूसरा ये मॉल, क्योंकि काफ़ी फेमस मॉल था भाई। गाड़ियाँ एक से बढ़ के एक, बेंटले बेंटले जी वैगन भाई साहब, अमीरों की कमी नहीं है भाई, दिल्ली मुंबई में अमीरों की कमी है, बहुत अमीर बहुत पैसा लोगों के पास। तो अपनी आज की दिन की लास्ट मेट्रो राइड भी लेके आ चुके हैं हम आरकेपुरम स्टेशन पे, और अभी जो एक मेन टास्क है कि हमें जाना है अंदर। अब ये तो चला जाएगा, इसके पास तो कार्ड है, क्या है इनकी IIT में गेट पे एंट्री होती है, तो जब मैं आया था तब एंट्री हुई थी, तो अभी गेट नंबर हम 6 से जाएंगे, तो देखते हैं कैसे पहुंचते हैं निकलते हैं, नहीं तो वह फिर एंट्री कर देंगे एक बार और के, देखते हैं बाकी तो क्या होता है। एक आइडिया है, क्या कहते हैं, तो कॉल पर बात करता करता वीडियो ऐसे नाटक करके कॉल पर बात कर रहा है, मैं कार्ड दिखा दूँगा। नाइस टिप, करते हैं प्लीज़, फिंगर क्रॉस एंट्री हो जाए चुपचाप, अंदर पहुंच जाऊं एक बार बस, हॉस्टल में बैठे रहेंगे फिर उसके बाद, तो फिर जो करना कर लेंगे, अंदर जाने का है भाई। हो गया जुगाड़, पहुंचवा दिया अंदर इसने, आइडिया काम कर गया, आइडिया काम कर गया, मैंने कॉल पे बात करने लग गया मैं, इसने आईडी दिखा दी, पहले मेरे को लगा ये आईडी दिखा रहा है भाई, फिर मेरे से भी पूछ ले वो आईडी दिखाओ, बट कुछ नहीं बोला, चुपचाप निकला है। गेट नंबर 6 OP भाई, गेट नंबर 1 पे तो चल यार, मैं मानता हूँ होगा ज़्यादा वो तो स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि यार मेन गेट है ना वो, ये तो पीछे का गेट है बैक साइड का। अभी दूसरे का अंकल व्यस्त है, वो दूसरे वाले पे, हाँ वो दूसरा वाला वो था यार, वो बिजी था किसी कार में तो आ गए। बाकी अब कैंपस घूमेंगे आराम से, रात है भाई, ठंड तो बहुत ज़्यादा है इधर, तो और ज़्यादा है क्योंकि हरियाली इतनी है ना यहाँ पे, बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा हाथ जम रहे हैं मेरे, सही में हाथ जम रहे हैं। ये देखो फॉग निकलना चालू हो गई मुँह से यार। एक और हॉस्टल दिखाऊँ मैं, कौन सा है हॉस्टल का नाम, सतपुरा हॉस्टल, पूरा सजा रखा है। हमारे यहाँ तो यार हॉस्टल तभी सस्ता है जब कुछ पार्टी वार्टी हो, तुम्हारा ऐसे रहता है नॉर्मल, नॉर्मल ऐसा रहता है, सही है यार, नॉर्मली लाइट वाइट लगा के रखिए, सही लग रहा है। तो आ चुका हूँ इसके हॉस्टल में, और आज तो इसी का सोइंग के रूम में, बस मेरे को अंदर आने का था, एक बार अंदर आ जाऊँ बिना किसी टेंशन के, फिर दिक्कत नहीं है, अंदर आ गए। अब बस हॉस्टल में रात काटनी है, और जो भी इनकी बकचोदी होती है मस्ती होती है वो सभी करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ से दिखाता हूँ मैं पूरा, मतलब ये ना एकदम बॉर्डर पे है हॉस्टल, तो पूरा दिल्ली की जो मेन रोड है ना सामने, ये दिख रही है।